खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। युवा जागृति शक्ति संगठन कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन सिखोला के नेतृत्व में लॉकडाउन के पश्चात से ही जनसेवा में निरंतर समर्पित है। उनके द्वारा 37 दिन तक जनसेवा चलाई गई। इस बीच युवा जागृति शक्ति संगठन रसोई द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर लगातार जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया गया, साथ ही खाद्य सामग्री, मास्क व सैनिटाइजर आदि वितरित किए गए। ये सारी सेवा हरिद्वार में कई क्षेत्रों में दी गई, जिसमें हरिद्वार ज्वालापुर के कई ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित रहे। लॉकडाउन के पश्चात की गई सेवा के लिए युवा जागृति शक्ति संगठन के कोरोना योद्धा का सम्मान जिलाधिकारी रविशंकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक मिस्टर इंडियन आइकन अमन सिखोला, नोडल अधिकारी नरेंद्र यादव, महिला सशक्तिकरण रविन्द्र राठौर, संरक्षक महावीर शर्मा व गणेश शर्मा द्वारा किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा संस्था के कार्य की सराहना करते हुए संस्थापक अमन सिखोला को शुभकामनाएं दी गई व सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया। हरिद्वार से जावेद अंसारी की रिपोर्ट। आज युवा जागृति शक्ति संगठन कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जिलाधिकारी श्री रविशंकर जी द्वारा हमारे सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया ताकि उनका मनोबल बढ़ सके, क्योंकि लॉकडाउन के पश्चात से ही हमारे जनसेवक लगातार जनसेवा में समर्पित हैं। उन्होंने लगातार सैनिटाइजर, मास्क, भोजन, खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां इत्यादि सभी कई ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की हैं, हरिद्वार में भी वितरित की है। तो सभी क्षेत्रों में जितने हमारे अध्यक्ष और महामंत्री नियुक्त हैं, उन सभी के नेतृत्व में हर समझ जगह की टीम ने कार्यशैली को बढ़ाया है। तो उनके सम्मान समारोह में जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तो मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं और माननीय जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे कोरोना फाइटर्स को सम्मानित करके उनके मनोबल को बढ़ाया। धन्यवाद। आज हमारा युवा जागृति शक्ति संगठन की टीम ओर से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमने कोविड 19 के योद्धाओं को सम्मानित कराया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला अधिकारी रविशंकर जी और नोडल अधिकारी श्री नरेंद्र यादव जी आए, जिन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। हमारा कार्य जो निरंतर लॉकडाउन से लेकर 37 दिनों तक चला, उस कार्य को हमारे कोरोना योद्धाओं ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और हम आशा करते हैं हमारे जो योद्धाएँ हैं वो अगर आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार।